ये देखो जियाना की बबल गन जो है वो रेडी हो रही है। इसके बाद जियाना बहुत मस्ती करने वाली है इसके साथ। जियाना बहुत मस्ती करने वाले हो क्या? हाँ, कितनी मस्ती करोगे बताओ? ये चीक्स क्यों रेड रेड हो रहे हैं आपके? हाँ, देखो तो नहीं होगा, अभी चार नहीं होगा। जियाना ये देखो बबल बबल। जियाना जियाना चलो चलो घूमी घूमी। हाय। सो दिस रेड ड्रेस व्हेन जियाना वाज 3-4 मंथ्स, तो जियाना की दादी लेकर आई थी और उस टाइम बहुत बड़ी थी। तब से मैं वेट कर रही हूँ कि कब जियाना को ये पूरी आएगी। सो फाइनली हमने ये ड्रेस पहना दिया है एंड इट्स लुकिंग वेरी क्यूट। जियाना चले, शूज कहाँ है? मम्मा के शूज कहाँ है? मम्मा के शूज दिया ना। चलो चलो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। जियाना आज जियाना का थोड़ा आई चेकअप कराने के लिए जाना है तो हम लोग निकल रहे हैं। राजीव आते ही होंगे फिर। हम लोग सब जियाना का चेकअप कराने के लिए जा रहे हैं। बहुत टाइम से ड्यू है क्योंकि उसका जो टीयर डक था एक वो ब्लॉकेज है, काफ़ी टाइम पहले डॉक्टर ने बोला था। तो हम लोग मसाज कर रहे थे, सोच रहे थे कि बिना यू नो सर्जरी के ठीक हो जाएगा, बट आज एक फाइनल चेकअप करा लेते हैं और फिर वी विल टेक अ कॉल कि क्या करना है। सारे बलून चाहिए। क्यों मूड खराब है? डॉक्टर के पास आए थे इसलिए इसलिए मूड खराब है? इसलिए आप बात नहीं कर रहे थे उससे? हाँ, डॉक्टर के पास आए थे इसलिए बात नहीं कर रहे थे।
काफ़ी टाइम हो गया कोई व्लॉग नहीं डाल पाई हूँ मैं, बिकॉज बहुत बिजी चल रहा था स्केड्यूल. नो सो मच इज़ हैपनिंग. आज मैंने अपने डेंटिस्ट के पास गई थी. थोड़ा एक्चुअली मुझे दांत में कुछ दिन से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मतलब इतना हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ. तो वही आज सुबह चेकअप के लिए गई थी, तो थोड़ा क्लीनिंग किया है. एक यहाँ पर मेरे जो कैप लगा है उसके अंदर थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था, तो वो थोड़ा ठीक कर दिया. एंड देन आई केम बैक. सियाना सो चुकी है. आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी स्लीपी बिकॉज कल रात को सियाना बार बार उठ रही थी 2-2 घंटे से, क्योंकि उसने डिनर जो है प्रॉपरली नहीं किया था. सो या नाउ थोड़ा रेस्ट करके फिर सियाना को आज प्ले स्कूल लेके जाना है. तो ठीक है, मिलते हैं कुछ देर के बाद सो के उठ के. हाय गाइस, सोने से पहले मैं सोच रही थी कि मैं सियाना के लिए खिचड़ी की तैयारी करके सोती हूँ, क्योंकि उठते ही सियाना के लिए खिचड़ी चढ़ा दूँगी बिकॉज आई एम श्योर उसको उठते ही भूख लग जाएगी. सो जो सियाना की खिचड़ी है मैं मूंग दाल से बनाती हूँ. तो ये तीन, सो दिस इज़ द स्पून, ये साइज़ है इसका. मैं 3 चम्मच चावल लेती हूँ, ये इट्स अ नाइस बासमती राइस, और 2 चम्मच ये वाला मूंग दाल लेती हूँ. इसके साथ में 1 टमाटर पूरा, लौकी हुआ तो लौकी, और एनी अदर सब्जी लाइक गाजर, बीटरूट, सब थोड़ा लेके साथ में थोड़ा सा नमक डाल के चढ़ा देती हूँ. और फिर घी के साथ उसको, शी लाइक्स दैट खिचड़ी. सो आजकल सियाना जो भी खाना खाती है ना, उसमें अगर उसको 1 स्पून हम दही डाल देते हैं तो शी लव्स इट. तो क्योंकि दूध उसको इतना पसंद नहीं आ रहा है, और कोई भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आई थिंक इसीलिए उसको दही बहुत अच्छा लग रहा है. तो वो हर चीज़ में दही खाना पसंद कर रही है, दही रोटी हो गया या खिचड़ी दही हो गया. सो दैट्स व्हाट शी इज़ लाइकिंग. तो आजकल मैं उसको हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा दही डाल देती हूँ, तो शी लाइक्स इट दैट वे. तो या अगर आप लोगों को भी चाहिए कि आपके बच्चे अगर अभी आजकल खाना नहीं खा रहे बिकॉज इट्स वेरी हॉट राइट नाउ, तो बारिशें अभी शुरू हुई नहीं है, तो थोड़ा सा दही ट्राई कीजिए, शायद दही पसंद आ जाए जैसे सियाना को आ गया है. सो या आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग. नेक्स्ट व्लॉग में हम मिलते हैं, और काफ़ी सारी नई नई चीज़ें होने वाली हैं, नया शो मैं करने वाली हूँ. तो शूटिंग पे भी चलेंगे, सियाना को लेके जाएंगे, और बहुत कुछ होने वाला है. सो Stay tuned and please don't forget to subscribe to my channel because आपका love और support ही है जो मुझे motivate करता है. So please subscribe to my channel and keep sharing the videos.